हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल अड्डा 247 पर, और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, यानी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। आखिर ये है क्या और इसको बनाया किस लिए गया, क्या इसके पीछे की कहानी है, इन सबको हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है जिसे बनाया गया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत ये एक परियोजना है जिसे संचालित करता है, जिसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे चलाता है। और आप लोगों को पता है कि जो इसके मिनिस्टर हैं, करंट मिनिस्टर, वो हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कि कानून मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ भी हैं, एवं इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री, वो हैं सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया साहब। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसे मैं बता देता हूं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। लेकिन अब ये समझिए कि छात्रवृत्ति के संबंध में, स्कॉलरशिप के संबंध में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलने वाली स्कॉलरशिप, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा UGC, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक आयोग है। और इसके अलावा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब भी अपनी अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर बैकवर्ड कास्ट से है या SC ST कैटेगरी के अंदर आता है तो उसे भी UGC से भी स्कॉलरशिप मिलती है, एंड देन उसे AICTE से भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग स्कॉलरशिप होती हैं उनकी योजनाओं के हिसाब से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी उनकी योजनाओं के हिसाब से अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो बात यह है कि स्कॉलरशिप को सिंक्रोनाइज करना है, यानी जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं उन सभी छात्रवृत्तियों को देने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर ले आइए किसी स्टूडेंट को, ताकि वो सारी की सारी छात्रवृत्ति जो उसे मिलने वाली है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेल कर सके, यानी उसे मिल सके। तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसीलिए बनाया गया ताकि आसानी हो लोगों को छात्रवृत्ति लेने में, और अपने आप का एक बार रजिस्ट्रेशन कराने में, उसके बाद सरकार को भी लाभ हो और सरकार को भी ज्यादा परेशान ना होना पड़े, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर सीधे अकाउंट में हो जाए जो भी छात्र है उसके। डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है सीधे सीधे पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। तो देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बनाया ही इसलिए गया, इसका विजन ये है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग देंगे जिसमें विद्यार्थी अपना एप्लीकेशन कर पाएगा, अपनी रिसिप्ट ले पाएगा, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग कर पाएगा, सैंक्शन जो भी उसे स्कॉलरशिप होती है वो ले पाएगा, अगर स्कॉलरशिप उसकी खत्म हो गई है तो उसको डिसबर्स कर पाएगा, उसे ले पाएगा, स्कॉलरशिप खत्म हो गई है तो स्कॉलरशिप वो वहां से छोड़ भी पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया और स्कॉलरशिप मिलती जा रही है। तो चूंकि आपको पता है भारत इस टाइम पर अपने कदम बढ़ा रहा है डिजिटल इंडिया से आगे बढ़ते हुए, तो अगर डिजिटल इंडिया से कदम उसके बढ़ रहे हैं आगे, तो सिंपल सी बात है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अगर कोई रजिस्टर करवाता है तो डिजिटली सारा का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद होगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास, और वो उन्हें सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर दे पाएंगे, यानी सीधे सीधे उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा पाएंगे। तो ये सब विभिन्न सेवाएं हैं छात्रवृत्तियों की जो ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, AICTE से, UGC से। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, कहाँ कहाँ से मिलती हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट एक स्मार्ट सिस्टम बनाया जाना है। स्मार्ट सिस्टम आप लोग जानते हैं डिजिटल इंडिया की एक पहल है, और इस स्मार्ट सिस्टम के अंतर्गत बहुत जल्दी लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकेगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद दे विल बी एबल टू अवेल एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर देम रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप। तो याद रखें, मिशन ये है कि इस मिशन मोड प्रोजेक्ट को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये एक तरह का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहां पे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा करके, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरीज हो, ये सब जगह पर स्टूडेंट्स को इनकी तरफ से मिलने वाली जितनी भी छात्रवृत्ति की सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी। यानी देखिए, सबसे पहले
छात्रवृत्ति का वितरण डिसबर्समेंट टाइम से होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक कॉमन पोर्टल होगा जहां पे आराम से सभी तरह की स्कॉलरशिप्स मिल सकेंगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। ट्रांसपेरेंट डेटाबेस बनाया जाएगा स्कॉलर्स के लिए, स्कॉलर्स मतलब वो लोग जो स्कॉलरशिप पाएंगे उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट डेटाबेस, पारदर्शी डेटाबेस जहां पर कहीं भी ओवरलैपिंग जैसी कोई चीज नहीं होगी। ओवरलैपिंग या आप समझिए कि कई बार रिपीट हो जाती है स्कॉलरशिप्स, ऐसा भी नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव एक MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया जाएगा प्रॉपर, ताकि मॉनिटरिंग की जा सके स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की। मॉनिटरिंग कहने का मतलब ये निगरानी की जा सके, निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा देखिए डुप्लीकेशन जो है, जैसा कि मैंने कहा ओवरलैपिंग वो भी नहीं होगी। हार्मोनाइजेशन होगा, सामंजस्य बैठेगा, जितनी भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं अलग अलग, मैंने आपको स्कॉलरशिप्स बताई आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, UGC की स्कॉलरशिप और AICTE की स्कॉलरशिप, यानी ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से छात्रवृत्ति लोगों को आती है, मतलब उन स्टूडेंट्स को जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। DBT आपको पता है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इसकी बहुत ज्यादा बात की गई है। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिनको DBT के थ्रू राज्य की सरकारों ने उनके अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर के थ्रू, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सीधे सीधे पैसा अकाउंट में, यानी जो लाभग्राही है उस लाभग्राही के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पर ये काम करेगा जो हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, और जो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब इनमें भी देखिए, अगर आप देखें टेक्निकल एजुकेशन की बात तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ही, ये देता है स्कॉलरशिप। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी स्कॉलरशिप्स देते हैं, अलग अलग ट्राइब्स को अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये बात भी है, ठीक है। अगर लेबर मिनिस्ट्री की बात करें तो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से भी, एंड वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज जो हैं उन मिनिस्ट्रीज की तरफ से अलग अलग स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। तो उन प्रावधानों को एक ही इस प्लेटफॉर्म पर ला करके और हम सीधे सीधे जितने भी स्कॉलरशिप ग्राही हैं उन सभी को हम लोग ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप देख सकते हो सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप की, वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसे चलाता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी अफेयर्स इसे चलाता है, ठीक है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप प्रोफेशनल फॉर टेक्निकल कोर्सेज, CS, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ही चला रहा है इसको। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो इन योजनाओं को चला रहे हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उन दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाने के लिए उनके डिपार्टमेंट्स ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल के अलावा जो आप देख सकते हो इतनी सारी स्कीम्स हैं, ये आम आदमी बीमा योजना, जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि लेबर मिनिस्ट्री भी है, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, वो भी आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड करवा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कितनी सारी स्कीम्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम भी है, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स। मैंने बोला था कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए भी अलग अलग तरीके की स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये सभी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की अलग स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की अलग स्कीम, वाब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी स्कीम चलती हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स। आपको पता ही है कि ये एक अलग से असम राइफल्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एक हिस्सा है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की भी उनके जो कर्मचारी हैं उनके कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो स्कीम्स हैं वो स्कॉलरशिप की स्कीम्स चलती हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें UGC की स्कीम्स कौन कौन सी हैं आप ये देख सकते हो। जैसे ईशान उदय जो है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, UGC चला रहा है इसे। PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर किसी की सिर्फ एक बेटी है तो UGC की तरफ से उसे भी एक स्कीम यहां पर मिलती है स्कॉलरशिप के लिए। PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, यानी फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर जो होंगे उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह से PG स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC ST स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, तो इन सब के लिए भी स्कीम के पूरे प्रावधान बनाए हैं। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए जिम्मेदार है, लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलर स्कीम डिग्री टेक्निकल एजुकेशन, जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है,
बीटेक, उसके लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स, डिप्लोमा के लिए, तो देखिए यहाँ पे डिग्री यहाँ पे डिप्लोमा ये भी चला रहा है MHRD, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एंड देन उसके बाद सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम जो है डिफरेंशली एबल्ड स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए भी एक स्कीम है, और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये भी डिफरेंशली एबल्ड लोगों के लिए है। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से चालू है और जल्द ही इनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अंडर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कोई भी स्टूडेंट जो रजिस्टर करता है, कोई भी छात्र जो रजिस्टर करता है, उसको क्लास 1 से लेकर के और क्लास 10th, 12th या PhD तक की स्कॉलरशिप जो भी होगी वो सब NSP के थ्रू ही मिलेगी। तो अब आ जाते हैं, ये देखते हैं कि आखिर इसमें आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स की, कम से कम 4, 4, 5, 5, 6, 6 चल रही हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, बैंक की पासबुक, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आधार नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, और बोनाफाइड जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट होता है स्कूल की तरफ से वो भी देना होता है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। स्टूडेंट्स को विजिट करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट, ये देख लीजिए, ये आपको लिंक दी हुई है scholarships.government.in, यहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो फ्रेश स्टूडेंट में आपको ये पूरे चरण फॉलो करने होंगे और इन चरणों को फॉलो करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। और अगर आप रेनेबल स्टूडेंट है, रेनेबल स्टूडेंट का मतलब ये कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, स्कॉलरशिप पा रहे हैं, स्कॉलरशिप पाने के बाद अभी आपको वहां पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करना है, तो ये स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। तो यहां पर आप स्टेप्स पढ़ सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर क्या पूरा प्रोग्राम बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।